हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल पर सब्सक्राइब में। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दोस्तों इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखा तो जाएगा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे सारे प्रश्नावली का सोल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित समीकरणों के लेखा चित्र खींचे। आपको करना क्या है, ये समीकरण दिया गया है, इसका लेखा चित्र खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो या तीन बिंदु का निकालेंगे, तभी तो जाकर हमारा लेखा चित्र बनेगा। क्वेश्चन जो दिया उसको आप क्या कीजिएगा, हल लिख लीजिएगा और यहाँ से आप एक्स और वाई का मान दो या तीन निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक्स और वाई का मान दो या तीन आप लोग निकाल लीजिएगा। तो हम यहाँ पे एक्स दिया क्या है, एक्स प्लस टू वाई बराबर छः दिया। तो अगर एक्स बराबर हम क्या रख रहे हैं, एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो हमारा वाई का मान आ जाएगा। तो एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो वाई का मान क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। तो ये जीरो इधर आएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वाई इक्वल टू सिक्स बाई टू काटेंगे तो तीन, यानी कि वाई का मान क्या आ गया हमारा, तीन। जीरो रखे तो वाई का मान तीन आ गया। फिर लिखेंगे पुनः, क्या रखेंगे, अपने मान से रख सकते हैं। आपका आंसर मिलेगा भी नहीं मिलेगा, इससे आपका कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, आप अपने मन से रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुनः एक्स बराबर फिर हम क्या रख दे रहे हैं, वन रखने पर तो देखेंगे कि हमारा वाई का मान क्या आ रहा है। एक्स समीकरण क्या है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, तो यहाँ पे वन रखेंगे टू वाई इक्वल टू सिक्स, तो टू वाई और ये सिक्स में समान जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइव वाई फाइव बाई टू, तो क्या हो जाएगा, दूनी का चार 2.5 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, वन रखने पर क्या आया 2.5, भाग कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। एक और बिंदु निकाल लेते हैं, अगर एक्स बराबर छ रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देख लीजिए एक्स बराबर छ रखने पर आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स के जगह पर छः प्लस टू वाई बराबर सिक्स, टू वाई बराबर सिक्स माइनस सिक्स, टू वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो बाई टू इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई के मान जीरो हो गया अगर एक्स समान सिक्स रहेगा। तीन बिंदु हमारा निकल गया। अब हम करेंगे क्या, लेखा चित्र खींचेंगे। लेखा चित्र खींचने के लिए आप बनाइए क्या कीजिएगा, इधर एक्स होता है, इधर एक्स डैश, यहाँ वाई डैश, ये वाई, दाहिने की तरफ प्लस में मान होता है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर, यहाँ हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपका का क्या आ रहा है, एक्स पे जीरो, एक्स पर हमारा यहाँ मान है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। वाई पे तीन, तो वाई पर तीन हमारा यहाँ बिंदु हो जाएगा। इसके फिर सामने हम करेंगे, यहाँ पर देखिए वन, एक्स का मान वन और वाई का मान 2.5, तो 2.5 कहाँ आएगा, यहीं में आएगा, दो और तीन के बीच में 5 आएगा, तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद आपका क्या करा, सिक्स, एक्स पर सिक्स, तो एक्स हमारे यहाँ पर सिक्स है और वाई पर जीरो, तो ये इसी के सामने आएगा। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप मिलाइए, ये तो बिंदु नहीं मिल सकता है, लेकिन हमारा ये तो बिंदु मिल सकता है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पर, अगर ऐसे मिलाएंगे तो सिर्फ एक ही मिलेगा। तो हम ये तीनों मिल सकता है, यहाँ से अगर हम सेल रखेंगे ये तीनों मिल सकता है हमारा, तो आपके ये हो जाएगा आपका लेखा चित्र, ऐसे बन जाएगा। और आपका समीकरण जो है वो लिख दीजिएगा, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका लेखा चित्र बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बता देते हैं और आप लोग बाकी क्वेश्चन इसी तरह बना लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डी आपका दिया क्या है कि एक्स इक्वल टू थ्री इंटू वाई माइनस वन दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, इसको अगर बनाइएगा तो थ्री वाई और माइनस थ्री हो जाएगा। आपको इसको सजाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस थ्री। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, तीन बिंदु निकाल लीजिए एक्स और वाई का, एक्स और वाई निकाल लीजिए। तो आप एक्स बराबर हम क्या रख रहे हैं, एक्स बराबर जीरो रखेंगे, रखने पर आप एक्स का भी मान रख सकते हो, वाई का भी मान रख सकते हो, अपने मन से कोई दिक्कत नहीं। एक्स के जगह पर जीरो, थ्री वाई और ये माइनस थ्री, तो माइनस थ्री वाई बराबर माइनस थ्री, माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ तीन से तीन कट जाएगा, वाई बराबर वन। तो हमारा क्या आ गया, एक्स बराबर जीरो रखे तो वाई का मान वन आ गया। फिर लिखेंगे पूर्ण, एक्स बराबर कितना रख दे, एक्स बराबर तीन रख देते हैं, तीन रखने पर हमारा समीकरण क्या है, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस थ्री, तो तीन माइनस तीन वाई बराबर माइनस तीन, तो माइनस थ्री और ये तीन और इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से तो माइनस तीन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपका, माइनस थ्री वाई हुआ
और ये माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से 6 काटेंगे तो 2, वाई का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप क्या रखे हैं, एक्स का मान 3 रखे हैं तो वाई का मान 2 आ गया। एक और बिंदु भी निकाल सकते हैं आप, तो आप क्या निकाल सकते हैं, वाई का मान रखे या तो एक्स का मान रखे, आपके ऊपर है। तो आप अगर क्या करते हैं, वाई बराबर कितना रख देते हैं, देख लीजिए, वाई बराबर अगर हम अपने मान से 2 रख रहे हैं रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण क्या है आपका, एक्स -3y बराबर -3। तो y का मान 2 रखना है तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 और बराबर 3, तो x बराबर 3 × 6 -3, और ये इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर -3 + 6 घटाएं तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा प्लस में। तो हम क्या किए, तो y का मान 3 रखे तो x का भी मान 3 आ गया। अब आपको करना क्या है, ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींच लीजिए आप, y काम कीजिएगा, इधर 1 2 3 4, ये एक्स होता है, एक्स डैश होता है, वाई डैश होता है, वाई होता है, आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और यह -4 हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या दिया, एक्स पर 0, तो एक्स पर 0 यहाँ पे है, वाई पे 1, तो वाई पे 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्स पे 3, एक्स 3 है और वाई पर 2, तो ये 3 और 2 किसके सामने, दोनों के सामने मिलाएंगे, ये 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे, जहाँ आएगा वहाँ पे बिंदु डाल देंगे। उसके बाद फिर वाई का 3, एक्स का 3, एक्स का 3 और वाई का 3, तो एक्स 3 और वाई 3 इसी के सामने आएगा, आएगा ना भाई, इसी के सामने। अब देखिए आपका ये क्या हो रहा है, ये जो बिंदु आपका बन रहा है ना, ये भी इसी के सामने आएगा, और ग्राफ वाला कॉपी बनाएंगे तो सही बनेगा। अब देखिए ये तीनों क्या है, एक लाइन में आ रहा है, इसको हम इसी तरह लाइन दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अब ग्राफ के कॉपी में बनाइएगा ना तो आपका सही बनेगा। तो ये आपका ये बिंदु है, तो देखिए आपका ये बिंदु पहला क्या था, 3 2 था, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 3 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो समीकरण है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, x = 3 × y − 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। आप यह कि सर क्वेश्चन जो आंसर दिया इसका दूसरा दिया है, तो आप अपने मन से रखेंगे तो आपका ग्राफ अलग होने का, और जो क्वेश्चन में आंसर दिया वो रखिएगा ग्राफ के मान, तो आपका उस तरह ग्राफ बनेगा। लेकिन एग्जाम में तो आप तो देखने नहीं ना जाइएगा कि कौन सा मान रखे, आप अपने मन से रखने की कोशिश कीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।